मतदाता सूची में आधार नंबर दर्ज कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिन लोगों का मतदाता सूची में नाम दर्ज है उसमें अब आधार नंबर डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि यह काम आप अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर के द्वारा वोटर हेल्पलाइन ऐप्स डाउनलोड कर लें। डाउनलोड होने के बाद वोटर हेल्पलाइन ऑन करें, उसके बाद ईपिक नंबर और आधार नंबर डालना होगा। नंबर डालने के बाद यह एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्य है, इससे जो मतदाता सूची में डुप्लीकेट नाम है वह डुप्लीकेट नहीं रह जाएगी। यदि कोई आधार नंबर नहीं देना चाहते हैं तो वह अपनी कोई आईडी नंबर दे सकते हैं, इससे आप सर्टिफाइड हो जाएंगे कि वास्तव में आप मतदाता सूची में शामिल हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं और निर्वाचन में मैं डिप्टी डीओ भी हूं और आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जो आपकी मतदाता सूची है, अर्थात आपका नाम जो हमारी मतदाता सूची में दर्ज है, अब उसमें आपका आधार नंबर भी डाला जाएगा। यद्यपि यह स्वैच्छिक है, आप आधार नंबर अपना देना चाहें, अपनी इच्छा से देना चाहें, तो हमारे बीएलओ, हमारे और लोग इसको आपसे कलेक्ट कर लेंगे फॉर्म 6B पे। इसके अतिरिक्त यदि आप इसको स्वयं करना चाहें, एक बहुत ही आसान है, वोटर हेल्पलाइन ऐप है प्ले स्टोर पर, आप उसको डाउनलोड कर लें। अपने सामने आप अपना ईपिक कार्ड और आधार नंबर रख लें। आप जब भी उसको ओपन करेंगे वो ईपिक नंबर मांगेगा और उसके बाद फिर आप आधार नंबर डाल देंगे, आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। मेरा अनुरोध है, ये एक महत्वपूर्ण कार्य है, इससे जो अभी मतदाता सूची में डुप्लीकेसी है वो डुप्लीकेसी नहीं रह जाएगी। यदि आप आधार नंबर नहीं देना चाहते तो आप कोई दूसरी आईडी भी अपनी दे सकते हैं, जिससे आप आइडेंटिफाई हो जाएँ कि आप वास्तव में वही हैं जिनका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित है। बहुत बहुत धन्यवाद।